वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सिट्रोन एयर क्रॉस के बारे में। ये एयर क्रॉस भी दो आती है ना, C3 C5। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 1X में, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये गाड़ी C5 एयर क्रॉस है। बता देता हूँ, C3 एयर क्रॉस है। अभी सिट्रोन जो एयर क्रॉस है ना, इसमें अपडेट हो रखा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने C3 जो इनकी आती है नॉर्मल, उसका अभी हमने यहाँ पर फेस लिफ्ट वेरियंट देखा था। फेस लिफ्ट क्या था, कुछ फीचर्स अपडेट कर दिए थे। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर एयर क्रॉस में भी देखने को मिलती है। कौन सा वेरिएंट है? बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट, मैक्स वेरिएंट, जो कि आता है यहाँ पर टर्बो इंजन के साथ। तो अगर आप यहाँ पे नॉन टर्बो लेना चाहते हो तो आपको नीचे के मॉडल्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको टर्बो चाहिए तो टर्बो ऊपर के वेरियंट्स में आता है, ऊपर नेचुरल नहीं आएगा। मतलब कि जो मैक्स वेरियंट देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी NA इंजन नहीं आता है, टर्बो चार्ज ही आएगा। तो आज की वीडियो में थ्रू आउट हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऑफर करी जा रही है। लास्ट में कंक्लूजन की बात करेंगे कि गाड़ी एक्चुअल में इस प्राइस में बन कैसी रही है। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। अच्छी लगी आप लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं एक्स शोरूम वैल्यू। 12,69,800 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये आपको हल्द्वानी में पड़ जाएगी 14,80,000 रुपीज़ की, लेकिन इसमें चल रहे हैं डिस्काउंट, जिसके लिए आपको सिट्रोन हल्द्वानी को यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इनकी कोई सी भी गाड़ी परचेज करनी है ना, आप देखो यहाँ पर आपको बसाल भी देखने को मिलेगी, जिसके बेस मॉडल को यहाँ पर तैयार कर रखा है। इसकी वीडियो भी बनाऊंगा मैं, है ये पूरा बेस मॉडल, लेकिन अलॉय व्हील लगा के सिस्टम लगा के बढ़िया बना रखा है। तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप चाहो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको हल्द्वानी से गाड़ी परचेज करनी है, अच्छी डील आपको प्रोवाइड कराएंगे। 1480 में देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर फोकस करेंगे हम लुक में। देखो लुक बहुत अमेजिंग है, लुक में कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कराया गया है। जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स डाल सकते इसे डाल रखे हैं, लाइक वाइट कलर का ट्रीटमेंट, सिल्वर कलर की स्किट प्लेट, इवन जो DRL का डिज़ाइन है, ग्रिल का डिज़ाइन है, फिर सिट्रोन का लोगो है। गाड़ी बहुत अमेजिंग लग रही है। चेंज क्या हो रखा है, चेंज हुआ है लाइटनिंग सेटअप में। अब आपको मिल रहा है LED प्रोजेक्टर सेटअप। पहले हेलोजन मिलता था, अब प्रॉपर LED प्रोजेक्टर आ चुका है। बाकी सारी चीज़ें वही है, लाइक इंडिकेटर अपने को हेलोजन में मिलेगा, देन जो फॉग लैंप हैं वो अपने को हेलोजन में मिलेंगे। लेकिन LED प्रोजेक्टर की वजह से रात को जो आपका लाइटनिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहने वाला है ना, नाइट का जो एक्सपीरियंस है ड्राइव का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके इंजन की। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहाँ पर आपको मिलता है टर्बो चार्ज इंजन, और ये है 1200 cc का, 1.2 लीटर का। 3 सिलेंडर है तो माइलेज अच्छा निकालेगा, 18.5 का माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है, जो कि आप पूरी ओवरऑल जर्नी में ना निकाल ही लोगे। एंड अगर पावर की बात करता हूँ मैं स्पेशली, तो बहुत अच्छी पावर निकाल रही है गाड़ी, 190 bhp एंड 190 nm ऑफ टॉर्क। तो अगर 5 सीटर है, वैसे 7 सीटर में भी आती है, लेकिन अगर आप 5 सीटर लोगे और इसमें अगर 5 के 5 लोग बैठ रखे हो, लगेज भी आपने रख रखा है, तब भी आपको ये गाड़ी अच्छी पावर निकाल कर यहाँ पर देगी। आपको लैग जैसा फील नहीं होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा यार कि ये जो इंजन है ये यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। तो ये इस इंजन की यहाँ पर खास बात है। 6 स्पीड का आपको यहाँ पर मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, एंड 2 ईयर्स 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिससे आप यहाँ पे एक्सटेंड करा सकते हो, और मैं चाहूँगा आप एक्सटेंड कराना ही कराना। एंड अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया तो बता देता हूँ, यहाँ पर जो C3 एयर क्रॉस आती है ये आपको 5 सीटर में ही मिलेगी, 7 सीटर में भी मिलेगी। मैं जो पर्टिकुलर वेरिएंट कर रहा हूँ ये 5 सीटर वाला है। वैसे अगर आप C3 लोगे ना, उसमें कोई भी 7 का ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ आपको यहाँ पर 5 सीटर में ही मिलती है। देखते हैं इसको साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ से चेकआउट करो गाड़ी का लुक कितना अमेजिंग यहाँ पे लग रहा है, और साइड से गाड़ी कितनी मस्त यहाँ पे लग रही है। हल्का हल्का ना रेनो डस्टर जैसा लुक दे रही है यहाँ पे गाड़ी। अब सबसे पहले जानते हैं कि अपडेट क्या हो रखा है। तो यहाँ पर जो साइड मिरर हैं ये आपके इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाते हैं, ट्रीटमेंट अलग है, आपको यहाँ पे बॉडी कलर ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको वाइट पेंट देखने को मिलेगा। इंडिकेटर देखोगे साइड वाले हेलोजन में है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो पहले भी होते थे, अब ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी है, लाइक 17 इंच के डायमंड कट, ग्लॉसी ब्लैक आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। कंपनी आपको दे रही है सीएट सिक्योर ड्राइव के टायर, जिसकी वारंटी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। कभी भी आपके टायर्स में कटफट लगे, पूरा ये टायर रिप्लेस हो जाता है। एंड कंप्लीट टायर सेटअप बन रहा है 215/60R17 का। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट करते हो तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, 200 mm का। देखो एज ए 5 सीटर कार, एज ए 7 सीटर कार, मुझे ऐसा लगता है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होना ही चाहिए था। एंड यहाँ पे SUV जैसा स्टांस देने के लिए ना आपको मिल जाते हैं नॉन फंक्शनल रूफ रेल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डोर में इस तरीके से डिज़ाइन एलिमेंट, वैसे प्रोटेक्शन के लिए मेन होता है एलिमेंट, आपको मिलेगा यहाँ पे वाइट कलर का। और ओल्ड स्कूल टाइप आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, फ्यूल टैंक का गेट अपने को मिलता है यहाँ पे, को ड्राइवर साइड,
और 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और छोटा सा आपको मिल जाता है क्वार्टर पैनल ग्लास क्योंकि गाड़ी 7 सीटर में भी आती है। एंड इसके ओवरऑल जितने भी डायमेंशन है वो सारे आपको डिस्प्ले में शोकेस हो जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। पीछे से लुक चेकआउट करते हैं तो यहां पर भी कोई भी अपडेट नहीं है, सब चीज़ें पहले की तरह ही है। लाइक जो लाइट्स आपके कंप्लीट तरीके से हेलोजन में है, देन आपको मिल जाते हैं 2 पॉइंट में पार्किंग सेंसर कैमरा के साथ। पीछे का जो डिफ्यूज़र वाला एलिमेंट है ये आपको हल्का हल्का व्हाइटिश और ग्रेस टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी सिट्रॉन की बैजिंग, फिर आपको एयरक्रॉस की बैजिंग, देन आपको मिल जाएगा वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर, स्टॉप लैंप, सारी चीज़ें वही है जो पहले आती थी। लेकिन यहाँ पर जो लाइट का डिज़ाइन है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खोलते हम इसकी यहाँ पर बूट और देखें तो यहीं से एक्सेस हो जाती है। ये प्रॉपर आपको बटन इस तरीके से दे रखा है तो आपका जो पीछे का बूट है ये आपको मिलेगा पार्सल ट्रे के संग। एंड आपको मिल जाती है 444 लीटर की मैसिव बूट स्पेस, क्योंकि थर्ड रो में कोई सीट है नहीं तो उतनी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिल गई। तो ये फ़ायदा है कि जो C3 एयरक्रॉस यहाँ पे 5 सीटर वाला वेरिएंट लेगा, जो 7 सीटर नहीं लेगा उसको एक्स्ट्रा बूट स्पेस का बेनिफिट होना ही होना है। और रात के समय के लिए आपको LED में लाइट मिल जाएगी। एंड जो पीछे की सीट है कंप्लीट तरीके से बेंच फोल्ड, मुझे लगता नहीं है कि इससे भी ज़्यादा आपको स्पेस की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ी तो फिर आप पूरी सीट को हमें फोल्ड कर सकते हो। एंड यहाँ से पकड़ के आप इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। खोलते हैं ड्राइवर साइड का गेट और गेट अच्छे खासे हैवी हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा अभी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, क्योंकि अगर आपको खोलना है ना जल्दीबाजी में मत खोलना, ऐसे ये ऐसे एकदम से ना आवाज़ जैसे करता है, आपको पूरे आराम से इसे उठा के खोलने पड़ेंगे, ठीक है। ओपनिंग बहुत अच्छी है, आराम से अंदर जा सकते हो, उतर सकते हो, सफाई वगैरह कर सकते हो गाड़ी की। और अगर आर्मरेस्ट में देखता हूँ मैं तो ये कम्प्लीट तरीके से पूरा ये लेदर ट्रीटमेंट में है, ठीक है। चारों पावर विंडोज़ हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा सिल्वर ट्रीटमेंट इस तरीके से। देन नीचे देखोगे आपको मिल जा रही है स्पेसिंग, स्पीकर आपको डोर में मिलेंगे, ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं ए पिलर में, टोटल 6 स्पीकर हैं। एंड जैसा मैं कह रहा था कि आपके जो साइड मिरर हैं अब ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको बटन यहाँ पर मिलेगा। देन आपको मिल जाता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, आप यहाँ से विंडोज़ को भी लॉक कर सकते हो। नीचे कोई डैड पेडल नहीं है, ना है कि गाड़ी में कोई पुश स्टार्ट बटन आता है। सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना जो एक्सटेंडर निकाल रखा है ना इसकी वजह से हाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। अभी चेकआउट करेंगे थोड़ी देर में। और ये सीट जो है लेदर प्लस फैब्रिक है, वैसे ये पूरा यहाँ पे लेदर है, ठीक है, ये पूरा पार्ट लेदर का है, फैब्रिक का पार्ट इतना है। ये चीज़ दिख रही होगी आपको टेक्सचर से, इसके ये फैब्रिक का पार्ट है। और सीट में आपको मिल जा रहा है हाइट एडजस्टमेंट का लीवर। बाकी अंदर आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड ये चीज़ पहले नहीं आती थी, तो ये भी एक नया अपडेट है। बाकी इसका जो सीटिंग कम्फर्ट है उसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हेड को भी पूरा पूरा सपोर्ट मिल जा रहा है, स्पेस में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और जो मेन होता है ना थाई सपोर्ट, वो भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जो इतना पार्ट आप देख रहे होगे जो इतना ही आगे को निकल रखा है ना, इससे आपके थाई को पूरा सपोर्ट मिलेगा। इवन आपकी हाइट ज़्यादा भी है तब भी आपको पूरा पूरा ये सीट जो है अच्छे से सपोर्ट करेगी। कमी निकालने तो ये निकाल सकता हूँ कि इसका जो ये पैनल है ना थोड़ा अंदर की तरफ होता, आपको होल्ड ज़्यादा करती, लेकिन फिर भी प्रॉपर बकेट सीट्स हैं ये, ऐसा नहीं कि बकेट सीट ही नहीं मिल रही है। ये मैं तब कह रहा हूँ अगर मुझे कमी निकालनी ही है, वैसे कोई कमी है नहीं सीटिंग कंफर्ट में। स्टीयरिंग हमको मिल जाता है फ्लैट बॉटम और कंप्लीट तरीके से लेदर रैप में है ये इस तरीके से। और यहाँ पर आपको मिल रहा है नॉन पेंटेड, ठीक है, यहाँ पर कोई पेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर ट्रीटमेंट है। और माउंटेड कंट्रोल्स देखोगे आपको मल्टीपल यहाँ पर मिल जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके टॉप एंड में भी आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, ना है कि कोई आपको ऑटोमेटिक लाइट्स मिलती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्रूज कंट्रोल तो होना चाहिए था, थोड़े पैसे ही बढ़ा देते, लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करें। बाकी चेकआउट करोगे तो वाइपर्स अपने को मिल जा रहे हैं एंड एडजस्टमेंट के नॉब आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी निकालता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, फोकस नहीं हो पाएगा, ऐसे में नॉब डाउन करा तो यहाँ पर हमको टिल्ट जो कि एकदम से नीचे गिर जाता है, बस सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। और सेंटर में अपना है सिट्रॉन का लोगो। बाकी चाबी शो करता हूँ तो चाबी मिल रही है आराम से, भैया यतिन क्या कर रहे हो, चाबी मिलती है हमें यहाँ पर फ्लिप की, और लॉकर अनलॉक का बटन है, बाकी किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। और इस तरीके से आपकी यहाँ पर ही खुल जाती है। चलो लगाते हैं इसे हम, ये लगाया हमने, लो जी बैटरी इग्निशन सब ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो आप पूरा व्यू, तो एक बार ये जोर की बीप मारता है, उसके बाद आपका यहाँ पर ही खुल जाएगा इस तरीके से। तो जो आपका यहाँ पर इंफोटेनमेंट है ना, सॉरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये आपको मिलता है कंप्लीट तरीके से डिजिटल,
और इसमें आपको और भी कलर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट है, तो आपको ग्रेइश वाइट येलो टाइप के ट्रीटमेंट, रेड कलर के ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा यहाँ पर व्यू बन जाता है। एंड अगर आपको इसका कंट्रोल करना है ना, आप यहाँ से कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपके क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए है, एंड यहाँ से आपका जो इन्फोटेनमेंट है ये वाला पार्ट आप इसे ऑपरेट करोगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हमको दिए जा रहे हैं। तो जैसे मेन्यू में भी जाओगे तो आपको मिलेगा व्हीकल सेटिंग, यूजर सेटिंग, चेक वन अलर्ट्स, मेंटेनेंस वगैरह। और देखेंगे अगर हम, पहले इसको मैं ज़रा बैक कर लूँ और चीज़ देखें, तो सिर्फ इतना ही आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखोगे तो ये फीचर्स और हैं, ठीक है, इसको हम बैक कर लेते हैं। एंड देखें यहाँ पर तो हमको इस तरीके से ये टायर प्रेशर भी शो करता है, ठीक, और यहाँ पे टैकोमीटर, फिर यहाँ पे अलग आ गया एनिमेशंस, फिर यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो कुल मिला के TBMS है गाड़ी के अंदर, जो कि सिर्फ डिफ्लेशन वार्निंग देगा, आपको एक्चुअल टायर प्रेशर शो ये नहीं करता है। और इंजन का ऑयल टेम्परेचर क्या है, गाड़ी में तेल कितना है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो मतलब ये तो आपका ना जितने फीचर्स ला रहा है सबके सब काम किया, और ये चीज़ ठीक है। बाकी अगर आगे देखोगे डैशबोर्ड में स्पेसिंग अच्छी है, बोनट अपने को यहाँ पर पूरा पूरा शो हो जा रहा है। फिर आते हैं इसमें, जो कि हेड्स अप डिस्प्ले की तरह इंफोटेनमेंट निकल रखा है ना, यह है 10.23 इंच का, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये वायरलेसली सपोर्ट कर लेता है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और टच रिस्पॉन्स सुपर फास्ट, इसमें कोई भी यहाँ पे दो राय नहीं है, ये देखो फटाफट चलता है, तो बैक करा एकदम से आपका रिस्पॉन्स करेगा आपको ये, ठीक है। देन पूरा ग्लॉसी ट्रीटमेंट के साथ हल्का सा आपको क्रोम वर्क देखने को मिल रहा है। यह है इसके एसी वेंट, फिर आपने नीचे ऑटोमेटिक एसी जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। देन आपको मिल जाता है हजार्ड का इंडिकेटर, टाइप ए का पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, नो टाइप सी। ऊपर एक ट्रे है फ़ोन रखने के लिए, अगर दो दो फोन है तो नीचे भी रख सकते हो। और जैसा मैंने बताया था कि ये एक नया अपडेट है, और इसमें आपको कोई भी कूलिंग वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी आपको मिल जा रहे हैं दो इस तरीके से कप होल्डर। देन अगर आप देखते हो तो 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, गियर नॉब का डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, नीचे लेदर रैप है। एक बार रिवर्स गियर अगर अप्लाई करें हम, तो नॉब उठा के इस तरीके से लगाना पड़ेगा। और कैमरे की क्वालिटी मैं कहूँगा डिसेंट है, ठीक है। अभी तो हम शोरूम के अंदर है तो लाइटनिंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन आपको ये बाहर अच्छे से सारी चीज़ें शो कर देगा। तो आप गाड़ी को बैक आराम से कर लोगे, देन यहाँ पर देखोगे नीचे स्पेसिंग बढ़िया बन रही है। फिर आपको मिल जाता है ये सिल्वर पेंटेड आपको इस तरीके से एलिमेंट, जो बटन है आपका हैंड ब्रेक का। देन यहाँ पर आर्मरेस्ट का अपडेट आ गया है, और इसको पीछे करते हैं तो अंदर स्पेस भी है, और ये स्लाइडिंग के साथ है, इसको निकाल ही देते हैं थोड़ी देर के लिए ना, ये पूरा स्लाइडिंग के साथ है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ अच्छी, पहले आती नहीं थी अब आ गई है, तो बढ़िया अपडेट है जी। ग्लव बॉक्स में चेक करते हैं तो अंदर देखोगे तो लाइटनिंग कूलिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्पेसिंग आपको मिल जा रही है। फिर यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चीज़ें कैरी कर सकते हो आप। बाकी ऊपर देखोगे तो मिरर आपको छोटा सा मिलेगा, और ये रहा अपना मैनुअल डिमिंग आयर VM। और लाइट अगर चेकआउट करते हैं तो ये मिल रही है हमें इस तरीके से हेलोजन में। बाकी यहाँ देखें तो टिकट होल्डर भी नहीं है, और सॉफ्ट ओपनिंग अपने ग्रैब हैंडल बार्स आ गए। सेफ्टी की बात करता हूँ तो गाड़ी में आपको मिल रहे हैं 6 एयरबैग, और जैसा आपको पता है कि इसकी जो NCAP रेटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा पता नहीं है क्यों, क्योंकि मैंने जितनी भी कार्स में डोर को हैवी फील करा है, बोनट को हैवी फील करा है, तो वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही निकली है। इसके डोर, इसका बोनट आपको हैवी फील होगा, दरवाजा बंद करोगे तो आपको आवाज़ भी अच्छी खासी हैवी फील होती है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि यार इतनी कमज़ोर ये गाड़ी होगी जो इसको इतनी कम रेटिंग मिल रही है। अब पता नहीं ऐसा है क्यों, ये चीज़ मेरे को भी समझ में नहीं आई, बट आपको मिल जा रहे हैं 6 एयरबैग्स। देन आपको ABS, EBD, ESP मिल जा रहा है, TBMS मिल जा रहा है, और फ्रंट की सारी बात हमने कंप्लीट तरीके से कर लिया। चलते हैं पीछे की तरफ, खोलते हैं पीछे का गेट। और पीछे के गेट की ओपनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छी ओपनिंग बन रही है, और पीछे का भी यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है ये आपको मिल जा रहा है पूरा कंप्लीट तरीके से लेदर में। अपडेट बहुत अच्छा हो रखा है पीछे की रो में, पहले जो बटन्स है ना ये आपको मिलते थे सेंटर में, वो सब हट के आ गए हैं साइड में यहाँ पे। अब आपको आगे झुक के मेहनत नहीं करनी है, साइड्स आपका काम आराम से हो जाएगा। नीचे पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, बाकी पीछे सिर्फ स्पीकर है, कोई भी ट्विटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और AC वेंट आ गया है जो कि पहले नहीं आता था, दो टाइप ए के पोर्ट हैं पीछे, टाइप सी का पोर्ट पीछे भी नहीं है। एंड आपको मिल जाती है मैगजीन पॉकेट्स, बाकी अपने को मिल जाते हैं दो इस तरीके से एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है जो कि इस तरीके से अगर आप चेकआउट करोगे तो काफ़ी चीज़ें दे रहा है हमें। लाइक यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन को रखने की स्पेस है, दो आप यहाँ पे कप कैरी कर सकते हो,
फिर देखो कि ऊपर आपको मिल जाती है हेलोजन लाइट, और यहाँ पर भी ना सेम वही टाइप का डिजाइन है, लाइक नीचे का पूरा पैनल आपको मिल जाता है लेदर में, बाकी इतना पार्ट जो है ये फैब्रिक में है। सीटिंग कंफर्ट पीछे की भी सीट का बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर जो बैक सपोर्ट है एंड जो मेन आपका रिक्लाइनिंग एंगल होता है ना वो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, तो आपको ऐसे स्ट्रेट बैठने वाली फीलिंग नहीं आएगी, आप आराम से रिक्लाइन होकर बैठ सकते हो, और हेड को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, और जो थाई सपोर्ट होता है अब वो चेकआउट करो कितना अच्छा थाई सपोर्ट मिलेगा। बाकी दो लोग भी ना बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि पीछे तीन लोग बड़े आराम से बैठेंगे, बस सेंटर वाले के लिए ना अभी कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, दिक्कत यही है, और बाकी दो दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई दो लोग तो आराम से सो भी सकते हैं, बीच वाले को किसी कंधे में सर टेकना पड़ेगा तब उसको नींद आएगी। बाकी अगर कंक्लूजन की बात करते हैं, देखो प्राइस इसका जा रहा है 14,80,000 रुपीस ऑन रोड, और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप सिट्रॉन हल्द्वानी को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, काफी लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हल्द्वानी में सिट्रॉन का शोरूम खुल गया है, और हल्द्वानी से जुड़े हुए जितने भी अगल बगल इसकी नेबरिंग जो सिटीज है वहां के लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन लोग को, और डिस्काउंट 55 से लेके 60,000 तक का है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर आप गाड़ी एक्सचेंज करा रहे हो या फिर आप रॉयल्टी वगैरह कुछ होती है, मतलब बहुत सारी होते हैं ना कॉर्पोरेट डिस्काउंट वगैरह होता है, तो वो चीज़ आप एक बार इन्हें कॉल करके कंफर्म कर लेना। लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको गाड़ी 1480 की ही पड़ रही है, ऊपर से आप इसमें कुछ एसेसरीज भी लगाते हो, लाइक आप यहाँ पे गाड़ी के अंदर कारपेट्स वगैरह मैटिंग वगैरह बिछाते हो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करवा दो, 15 लाख मान लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है, क्योंकि हर जगह 1480 तो होगा नहीं। अगर 15 लाख भी ऑन रोड प्राइस है तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि गाड़ी हमें ऑफर काफ़ी चीज़ें कर रही है। पहले होता है गाड़ी का इंजन, जो कि हमको मिल जा रहा है टर्बो चार्ज, और टर्बो में ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आपने काफ़ी लोगों से सुना भी होगा कि नेचुरल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसका टर्बो चार्ज इंजन है वो बहुत पंचियर फील यहाँ पर होता है, माइलेज में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा माइलेज गाड़ी निकाली क्योंकि 3 सिलेंडर है, बूट स्पेस काफी अच्छी है। अगर आप ये मान के चलो कि गाड़ी में एक बंदे का वजन 80 किलो है, आप टोटल 5 लोग बैठ रहे हो, तो 400 केजी का यहाँ पे गाड़ी का जो टोटल वेट है ना, इतना गाड़ी कैरी कर रही है, और अपना गाड़ी का अपना वेट हो गया, फिर पीछे अगर आप देखोगे अपने सामान भर दिया है, तो मुझे लगता है कि जो 200 mm का ये ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे ना वो प्रैक्टिकल बैठता है, फिर इनका जो टर्बो इंजन है वो पावर इतनी इनसेन निकाल रहा था, आपको पहाड़ों में भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो फीचर्स नहीं थे, लाइक पीछे एसी वेंट नहीं था वो आपको मिल गया, वायरलेस चार्जिंग नहीं थी वो आपको मिल गया, इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट या फोल्ड नहीं कर सकते थे वो भी फीचर आ चुका है, तो अब इससे ज्यादा क्या लोगे, मतलब पहले शायद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल था, फोल्डेबल नहीं था, अब आप फोल्ड भी कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, तो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई। एलईडी प्रोजेक्टर आ गया, तो आपको आफ्टर मार्केट एलईडी वाला काम भी नहीं करवाना है, और ये चीजें जो अपडेट आ गया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ी वर्थ इट बन रही है, और कहीं ना कहीं अंडर 15 लाख आपको एक अच्छी एसयूवी ऑफर करी जा रही है। 5 सीटर की बात कर रहा हूँ, 7 सीटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और बिल्कुल टॉप इन वेरियंट 17 इंच के अलॉय व्हील है। तो देखो डिपेंड अभी भी करेगा कि आपके नियर बाय सिट्रॉन का जो यहाँ पर वर्कशॉप है शोरूम कितना दूर है, ठीक है, अगर बहुत दूर है फिर तो मैं कहूँगा अभी अवॉइड ही करना, क्योंकि बार बार इतनी दूर आप जाओगे नहीं, लेकिन नियर बाय है ना गाड़ी को ट्राई जरूर से कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी मेरे को जरूर से बताना, अगर अच्छे लगे आप लाइक कर देना, शेयर करना जिनको अभी यहाँ पे कार परचेस करनी है अंडर 15 लाख और सिट्रॉन का प्लान कर रहे हैं, उन सब जरूर से शेयर करना। बाकी मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।